गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, आर्टिफैक्ट के बारे में हम लोग बताए थे। आज हम लोग कॉइन्स के बारे में बताएंगे। पहले के दिनों में कॉइन्स जो है वो बहुत तरीके के कॉइन्स यूज्ड होते थे जो मेटल के रहते थे, और ये कॉइन्स कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड इन सब के भी थे। द स्टडी ऑफ कॉइन, जो भी इस कॉइन के बारे में पढ़ा है या कॉइन के बारे में रिसर्च किया है उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। विद द टाइप ऑफ मेटल यूज एंड द सिम्बल्स डिपिक्टेड ऑन इट, वी कैन एनालाइज द पीरियड विच दे बिलोंग टू एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेटेड। इस कॉइन से हम लोग को ये पता चलता था कि ये किस समय का है और किस जगह से ये बिलोंग करता है। कॉइन्स फ्रॉम फॉरेन सिविलाइजेशन हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड। फॉरेन सिविलाइजेशंस के भी कॉइन जो है वो डिस्कवर किए गए थे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। आवर एंशियंट कॉइन टू हैव बीन लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री, हमारे जो कॉइन्स थे वो भी फॉरेन कंट्री में भेजे गए थे। दिस क्लियरली प्रूव दैट आवर एंसेस्टर हैड वेरी गुड ट्रेड रिलेशन, ये हमें ये दर्शाता है कि हमारे जो पूर्वज लोग थे वो लोग उन लोग का व्यवसाय में बहुत अच्छा रिलेशन था फॉरेन सिविलाइजेशंस के साथ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेसी सोर्सेस। ह्यूमन लर्न टू राइट अबाउट 5000 ईयर्स एगो, ह्यूमन मनुष्य लिखना शुरू किए करीबन 500 साल पहले से। दे इन्वेंट अल्फ़ाबेट, वो लोग अल्फ़ाबेट को इन्वेंट किए हैं एंड पुट देम टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स एंड सेंटेंस, फिर उन लोगों वो अल्फ़ाबेट्स को साथ में जोड़ जोड़ के वर्ड और सेंटेंस का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद वो लोग पत्थरों में पेड़ के पत्तों पे लिखना शुरू किए। फिर जब पेपर का इन्वेंशन हुआ तब उन लोगों ने बुक्स का, कॉपीज़ का इनका इन्वेंशन किया, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बुक्स और बुक्स में लिखना शुरू किए, जिसे हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। रिलीजियस एंड सेक्युलर लिटरेचर, रिटन मटेरियल इज जनरली रिलीजियस एंड सेक्युलर, जो भी लिखा हुआ था पहले का रिटन जितना भी मटेरियल था वो बहुत क्या धार्मिक भी था और पवित्र भी था, जैसे वेदास, भगवत गीता, पुराण, ये सब के बारे में आप लोग जानते होंगे। और दो एपिक जो बहुत कॉमन है जो आप लोग देखे भी है टीवी के माध्यम से, महाभारत और रामायण, जो कि सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था। द ओल्ड रिलीजियस बुक्स इन द जेंस का जो धार्मिक बुक था वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया था। बुद्धिस्ट का जो बुक था वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। रिटन इन पाली, जटाका टेल्स जो था, जटाका की कहानी जो था वो भी पाली लैंग्वेज में लिखा गया था जो बुद्धास के बारे में था। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट हैव प्रूव्ड टू यूजफुल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, ये जितना भी मैन्यूस्क्रिप्ट है ये एक पास्ट का इन्फॉर्मेशन का एक सोर्सेस है जो हमें हमारे पहले के जितने भी घटनाएं हैं उनके बारे में बताती है। ये 300 बीसी से 400 बीसी के अंदर समय में लिखा गया था। बीसी का कल मैंने आपको बताया था, बिफोर क्रिस्ट। फर्दर बुक्स सच एज धर्मशास्त्र आर बुक्स अबाउट रूल्स ऑफ सोसाइटी, फिर जो बुक्स लिखे गए थे वो थे धर्मशास्त्र, जो कि समाज के लिए लिखे गए थे, जिसमें समाज में होने वाले कानूनों के बारे में बताया गया था। फिर अर्थशास्त्र जो था वो गाइडलाइन था कैसे सरकार को चलना है। फिर ग्रेटेस्ट इंडियन रिटन इन टाइम्स ऑफ कालिदास, कालिदास जो थे वो भी बहुत बड़े कवि थे जो लिखते थे, बुक्स लिखते थे, ही रोट इन संस्कृत, वो संस्कृत में लिखे थे। मेघदूतम और अभिज्ञान, शकुंतलम, ये भी उन्हीं के ही थे। कालिदास इज ऑल्सो नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद बायोग्राफी, वन इम्पॉर्टेंट रिटन सोर्सेज इन हिस्ट्री और बायोग्राफी, हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो बायोग्राफी है। इसमें उस राजा या उसके समय में होने वाले नियम कानून जो भी थे या उसके समय में जो भी घटनाएं घटती थी उनके बारे में सारा डिटेल्स जो बताया जाता था उन्हें हम लोग बायोग्राफीज के नाम से जानते हैं। बाणभट्टा जो कि हर्षवर्धना कोट के राइटर थे, उन्होंने क्या लिखा था, हर्षाचरित्र लिखा था। अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर, मेनी फॉरेनर ट्रैवल इन इंडिया इन एंशियंट टाइम, बहुत फॉरेनर जो थे वो इंडिया में आते थे पहले के दिनों में भी, और
यहाँ के लोगों के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके रीति रिवाज, इनके बारे में जानना उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था। मेगाथेम स्लीप्स इन इंडिया फॉर सम टाइम्स एज ए ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ द ग्रेट मौर्यन रूलर। मौर्यन जो साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया हुआ था। ही रोट इंडिका टू चाइनीज ट्रैवलर्स फाहियान एंड ह्यान सांग केम टू इंडिया टू स्टडी बुद्धिज्म। ये दोनों आए थे इंडिया और बुद्धिज्म के बारे में स्टडी करने के लिए और उनके एक्सपीरियंस के बारे में लिखने के लिए। यही सब जो अकाउंट है ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। इम्पार्शियल प्रस्पेक्टिव ऑफ रिच सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशंस के बारे में जानने के लिए और इनको आगे बढ़ाने के लिए। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये बुक जो है फिलअप है, जो असेसमेंट आप लोग का दिया हुआ है ये आप लोग खुद से भरेंगे देखिए, और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी बुक आप लोग खुद फिलअप करोगे और चैप्टर्स को फिर से एक बार रीड कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे अंडरलाइन करके रखोगे, क्लासेस खुलने के दौरान फिर हम लोग उस टॉपिक के बारे में डील कर लेंगे। ओके, तब तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ गुड।